आप देख रहे हैं News 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद में आधुनिक खेती के जरिए किसानों को सेब उत्पादन के लिए आज विकास भवन सभागार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में प्रेरित किया गया। हिमाचल से आए विशेषज्ञ सुधीर चड्ढा ने इस दौरान मौजूद किसानों को आधुनिक खेती के जरिए सेब की नई प्रजातियां और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। तो एक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए सेब उत्पादन के क्षेत्र में जनपद में कोका कोला कंपनी व एग्रो इंडिया के सहयोग से 100 बगीचे लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को सेब की बागवानी करने के लिए प्रेरित करने को सरकार की ओर से अहम कदम उठाया जाएगा। News 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारा कृष्ण ब्लॉक है, महाबोध ब्लॉक है, कमीशन, यहाँ जो क्लाइमेट है तो वो सेब की खेती के लिए बहुत अच्छा है। और मैं आज चड्ढा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एप्पल मिशन को भी, कि मेरे बुलाए पे आज यहाँ आए थे और हम इस साल कोकोला के CSR से और चड्ढा जी की कंपनी की तरफ से 100 बगीचे लगाने का हमने टारगेट दिया है। कोई भी किसान उसमें अप्लाई कर सकता है और कोऑपरेटिव विभाग उसको 0% पे जो है 1.5 या 2 लाख रुपये जो भी लेना चाहेगा उसको ऋण दे देगा। और आज जिलाधिकारी CDOs और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सब लोग हम यहाँ पे हैं। मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी जिले में एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में तो काफ़ी बगीचे लग गए हैं, हमारे नैनीताल ज़िले में भी बहुत बगीचे लगे हैं, चंपावत में भी काफ़ी बगीचे लगे हैं, हमारे चकरौता बेल्ट में भी बहुत बगीचे लगे हैं, लेकिन पौड़ी में हम शुरुआत कर रहे हैं। पिछली बार जो शुरुआत हुई थी वो तो व्यक्तिगत लोगों ने की थी, अब सरकार की तरफ से हम पूरा सहयोग है, जो जो काश्तकार लगाना चाहिए उनको भी करें। देखिए, अभी जानकारी मिली है कि केदारनाथ में एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर फेस हुआ है, 7 लोगों को जो है उसमें प्रेजेंटेशन में है कि ये जो सेब की खेती है ये अब लो हाइट में भी होती है। हालांकि यहाँ ऐसा लो हाइट नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं जो लो हाइट है, कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 1000 मीटर, तो 1000 मीटर वाले किसान के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि वो अपने ज़मीन में भी सेब लगा सकता है। 1000 से 2500 और 100 तक गाला जो वेराइटी है वो बड़ी कामयाब है, और गाला का दाम भी कम ज़्यादा मिलता है और पहले बाज़ार में आ जाता है, तो इसलिए अधिकतम दाम मिलता है। ये जो युवाओं का रोजगार पलायन होता है केवल पैसे के लिए ही तो होता है, बाहर नौकरी करते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन हम ये कहते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से कि 5 नाली का किसान यदि खेती करता है तो उसको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है साल में। अगर 1 साल में 4 लाख का प्रॉफिट हो तो पलायन नहीं करेगा, और 5 नाली फिर वो अगर पढ़ा लिखा है तो और लीज पे ले सकता है और लोगों की ज़मीन में लगा सकता है या फिर उसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग लगा सकता है, तो पलायन करने की जरूरत नहीं है। देखो, पूरे हिमाचल में पलायन नहीं होता है, केवल इसलिए नहीं होता है, सेब होता है, और हम तो उनसे भी बेहतर हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम में उनसे 4 से 5 गुना पैसा है, क्योंकि इसमें 1.5 साल में पहली कमर्शियल फसल मिलती है जिसमें 3 से 4 किलो फल मिलता है, फिर दूसरे 2 साल के बाद और 5 साल पहुँचते पहुँचते 12 किलो फल मिल जाता है। 12 किलो पेड़ से मिलता है, 1000 पेड़ लगते हैं 1 एकड़ में, 1 नाली में यदि कहें हम तो 50 पेड़ लगे, 20 नाली का एकड़ होता है ना। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए News 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।